सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी हाल ही में साकेत की पावन धरती पर, जिसे आज अयोध्या कहा जा रहा है, वहां पर बौद्ध अवशेष निकले हैं। पूरे देश भारत में जितने भी समता, भाईचारा और तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ी कि तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित निकले। आज लखनऊ में इतिहासकारों ने, बौद्ध विद्वानों ने बैठक की। यह बैठक मेरी अध्यक्षता में की गई और हम लोगों ने एक ज्ञापन बनाया है। ये ज्ञापन वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है, ये ज्ञापन यूनेस्को के लिए है, ये ज्ञापन राष्ट्रपति के लिए है और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है और उत्तर प्रदेश में, देश भारत में जितने भी जनपद हैं, सभी जिलाधिकारियों के लिए ज्ञापन है। ज्ञापन क्या है मैं आपको बता दूं। विषय है ज्ञापन का, अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हो रही खुदाई में तथागत बुद्ध की मूर्ति व बौद्ध कालीन अवशेष मिलने पर उस स्थल को पुरातत्व स्मारक घोषित किए जाने के संबंध में। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर ये सब न किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। आगे क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त तो भारत सरकार दिल्ली महोदय, आपको अवगत कराना है कि अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख, धम्मचक्र आदि बौद्ध कालीन प्रतीक व अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो पुरातत्व ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से मूल्यवान हैं। आप स्वयं विद्वान व जानकार हैं कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करना, उनकी रचना व बनावट में बदलाव करना इतिहास को मिटाने के समान है और एक अक्षम्य अपराध है। संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों बौद्ध स्थल का रखरखाव और नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पास है। इन सभी स्थलों का ऐतिहासिक महत्व है। अयोध्या में समतलीकरण व खुदाई के दौरान तथागत बुद्ध की प्रतिमा व बौद्ध प्रतीक अवशेष मिलने से उनके ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। आप स्वयं जानकार हैं कि पुरातत्व महत्व के स्थलों की बनावट से छेड़छाड़, तोड़फोड़ करना अथवा किसी भी प्रकार का बदलाव करना पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 व बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार दंडनीय अपराध है। आज दिनांक 23 मई 2020 को लखनऊ में बौद्ध विद्वानों व इतिहासकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। नंबर 1, उच्च प्राथमिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल की सामान्य खुदाई तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। नंबर 2, उस स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की निगरानी में विधिवत उत्खनन कार्य किया जाए। नंबर 3, उत्खनन स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अधिकार क्षेत्र में देकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया जाए। नंबर 4, भारतीय इतिहास वेत्ताओं व पुरातत्व वेत्ताओं एवं बौद्ध विद्वानों का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल उत्खनन स्थल का निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करे। नंबर 5, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही किसी अन्य स्थल पर कर दिया जाए। चाहो तो इससे ज्यादा और जमीन ले लो, लेकिन कम से कम वहां जो ऐतिहासिक स्थल है, जहां पुरातत्व चीजें निकल रही हैं, अवशेष निकल रहे हैं, वहां न किया जाए। मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि उक्त अनुरोध को स्वीकार कर तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करें। इस ज्ञापन का जो आयोजक है, निवेदक है, पूरे देश भारत का बौद्ध समाज है। बुद्ध की विचारधारा कि जितने भी लोग हैं जो समता में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं और बुद्ध के आंदोलन से जुड़े हैं, सभी इस ज्ञापन को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मेरी सूचना को पूरे देश में फैलाया जाए, इस वीडियो को, इस ज्ञापन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, ताकि बौद्धों को अपनी विरासत संस्कृति बचाने के लिए कमर कसने के लिए तैयार होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय श्रमण भारत। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।